लेटर ऑफ कंप्लेंट, इसमें हम लिखते हैं कि अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी आइटम है वो नहीं आता है, और उसकी क्वालिटी भी वैसी नहीं आती जो ऑर्डर में हमने डिस्कस की थी, और क्वांटिटी भी वैसी नहीं आती, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पर लेटर लिखा जाता है कंप्लेन के लिए। सबसे पहले इसमें लिखा है सपोज यू प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ सम आइटम्स, जब आप किसी चीज़ के लिए ऑर्डर करते हैं, द क्वालिटी प्रोमिस्ड एंड क्वालिटी ऑफ आइटम रिसीव इज नॉट सेम, जो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपसे कहा गया था, जो चीज़ कही गई थी वो और जो आया है वो सेम नहीं होते, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, यू आइदर वांट टू रिप्लेस देम, उन्हें बदलोगे, और वांट योर पेमेंट बैक, और अपना पैसा या अपना पैसा वापस लोगे, हाउ कैन यू डू सो, यह कैसे किया जा सकता है, दिस इज वेयर द लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स इन टू प्ले, तब हम लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखते हैं, व्हाइल रिटेनिंग दिस टाइप ऑफ लेटर वी रिमेम्बर सम पॉइंट, हम कुछ बातों को याद में रखते हैं, पहला पॉइंट है वन मस्ट क्लियरली प्रोवाइड द डिटेल ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए क्या है, उससे की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट टेल व्हाट एक्शन यू वांट टू बी टेकिंग, दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि जब हम क्या एक्शन लेना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई जो हमारी समस्या है, और तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ अराइवल ऑफ ऑर्डर, कब ऑर्डर आया था, ऑर्डर नंबर क्या था, और डिटेल ऑफ द प्रीवियस कंप्लेंट, इससे पहले अगर कोई कंप्लेन की है तो उसकी डिटेल क्या थी। अगला डी पॉइंट है गिव अ डेडलाइन टू रिस्पॉन्ड विद इन, कब तक उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये भी उसमें मेंशन किया जाए। ई पॉइंट है अटैच अ कॉपी और स्पेसिमैन ऑफ द इनवॉइस और एनी अदर रिसीप्ट, जो भी आपको ऑर्डर रिसीव होने के टाइम मिला था वो कॉपी होनी चाहिए। एफ पॉइंट है यूज पोलाइट एट एसेटिव वर्ड्स रिगार्डिंग कंप्लेंट इशूज, पोलाइटली अपनी बात को रखना चाहिए जो भी कंप्लेन है, नेवर एक्सक्यूज और मेक एनी एलिगेशन वाई सेल्फ, खुद से कोई बातों को फालतू बातों को बनाकर ऐड नहीं करना चाहिए। लुक एट दिस द फॉर्मेट विद इन एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया गया है लेटर किस तरह से हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं, सबसे पहले एड्रेस न्यू बिजनेस वर्ल्ड रिंग 16 रिंग रोड दिल्ली 01, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद आता है एड्रेस द मैनेजर एबीसी स्टेशनरी किंग जो भी कंपनी है वहाँ का, फिर डियर सर कंप्लेन का विषय क्या है, कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्डर नंबर जो भी ऑर्डर नंबर था वो, फिर आएगा दिस इज विद द रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर, कब प्लेस हुआ था वो डेट आएगी, द ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ लेटर हेड एंड बिजनेस कार्ड्स एज पर द एग्रीमेंट वी वर प्रोवाइड ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर लेटेस्ट बाई नवम्बर 22 20 XXX, का मतलब होता है कि कोई भी साल हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर डिड नॉट रीच इन टाइम, सबसे पहले तो कंप्लेन है कि टाइम पे नहीं पहुंचा, दूसरी चीज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ पेपर्स एंड डिजाइन सिलेक्टेड फॉर बिजनेस कार्ड इज नॉट मैचिंग विद द सिलेक्टेड वन, जो भी हमने बिजनेस कार्ड सिलेक्ट किए थे वो डिजाइन नहीं मिली, और जो क्वालिटी ऑफ पेपर थी वो भी वो नहीं है जो हमने देखी थी, वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ एम्बरेसमेंट एंड इनकन्वीनियंस एंड आवर रेपुटेशन इज एज स्टेक इन द आई ऑफ आवर क्लाइंट्स, इसके कारण हमें अपने कस्टमर जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनके सामने अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा है, काइंडली इंश्योर दैट ऑर्डर विल बी रिप्लेस लेटेस्ट बाई दिसंबर 4 20 XX, आप 4 दिसंबर तक उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, फॉलोइंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप, आपका जो भी पेमेंट बचा है वो रोक दिया जाएगा, और द बिल बी कैंसिल, ऑर्डर जो भी होगा वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू मैटर, इस मैटर को आप कायदे से देखें एंड डू द नीड फुल एज सून एज पॉसिबल, और जो भी हो सके उसे जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें, लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली XYZ जनरल मैनेजर।